अटक रही है। हाँ हो जाएगा बेटा, थोड़ा नेटवर्क इशू इसीलिए लेट भी हो गया, हो जाएगा। देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। पहला सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन मैं आप लोग को पढ़ के बताता हूँ, और पहले ये समझ लीजिए पूरे मोशन के चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में चैलेंज बस एक ही है कि क्वेश्चन पढ़ करके आपको समझ में आ जाए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, सेकेंड का या थर्ड का है। अगर ये आप समझने लगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, हाँ जी बिल्कुल, आइडेंटिटी पहचान ही नहीं पाएंगे आप, और पहचान लिए तो काम हो गया। आइडेंटिटी में भी तो ऐसा ही था ना, जो आप लोगों को मैंने पॉलीनोमियल्स वाला कराया था लास्ट में, या तो क्लास ली होगी आप लोगों ने, उसमें क्या था आइडेंटिटी, जैसे आपने पहचानी सीधे वैल्यू पुट किया, पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व, मोशन के तीनों इक्वेशन वही तो है, समझ रहे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने करा दिया था, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा था, सब अपलोडेड है बेटा, बहुत अपडेट चल रहा हूं मैं आजकल। देखिए क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, सॉरी अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कोई रेसिंग कार है, उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बेटा याद होगा आप लोगों को, स्ट्रेट लाइन में वो मोशन होगा या एक्सेलरेशन होगा, और इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल स्पीड या एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यही था। तो कोई एक रेसिंग कार है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रख रही है, और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। What distance will it cover in 10 second after the start? अब ये कह रहा है, मैं आपको क्वेश्चन देखिए, कभी भी पेपर में जब क्वेश्चन करना हो ना, तो आप एक रफ दिमाग में आइडिया ना बने तो पेन चला करके रफ में यूज किया करिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कार जब स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट होने के 10 सेकेंड के बाद जो उसका एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? टाइम दिया हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है, पूछा क्या जा रहा है आपसे कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। टोटल डिस्टेंस हमको पता करना है, यहां से यहां ये चला गया 10 सेकेंड में, और उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो थी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। हमें ये नहीं पता कि पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस क्या है, यही हमको फाइंड आउट करना है। देखिए अब जैसे कि हम लोग फॉर्मुलेट करते थे, हम कर लेंगे इसको इरेज करके, जो वैल्यू दी है उसको सामने रखते हैं। यह इनिशियल वेलोसिटी इसका टू कितना होगा, जीरो होगा ना, जो कि यू भी है, ठीक है। उसके बाद बेटा जो टाइम है टी, बिल्कुल टाइम हमको 10 सेकेंड मिल गया है ना, क्लियर दिया हुआ है, गिवन है ये तो, ओके। और हमें पता है एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन लिखने के जाते ए रेफर्स टू एक्सेलरेशन स्मॉल ए, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है, ये सब दिया है। हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो इसलिए होगी क्योंकि क्वेश्चन में कहा था जब वो स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होने के 10 सेकेंड के बाद उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रही थी, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ था, टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ था, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हो रहा था, तो जीरो रख दिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है उसको किससे रेफर करते हैं, वेरी गुड, यही हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। अब देखो, अब
सबसे पहले देखो मेरे को पता है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन, लेकिन हमें कैसे पता चला कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन बच एक सेकेंड कौन कौन बच्चा ये बता सकता है कि जो ये क्वेश्चन है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, और आपको बताना पड़ेगा कि क्यों है। जी बोलिए। टोटल डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। अब सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ मोशन को फिर से आपके लिए एक बार मैं बोल देता हूं, बेटा वही तो आपको देखना था, आप देख के नहीं आए घर से, वीडियो नहीं देखी आपने। देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी, इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे एक दिए गए टाइम पे डिस्टेंस दिया जाता है। अब अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम वही करेंगे ना, जब अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा अप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। अब फिर से सुन लो आप कि इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी, कोई भी बॉडी टाइम टी, कोई भी टाइम 10 सेकेंड 5 सेकेंड 50 सेकेंड में जो भी टाइम दिया हुआ है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यही पता लगाने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन आपको समझाते हैं। क्वेश्चन बेटा क्या कर रहा था, अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, यहां डिस्टेंस नहीं दिया है, ये पूछा जा रहा है कि उसने 10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड भी दिया हुआ है ना, तो 10 सेकेंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कि फाइंड आउट करना है। इसीलिए हम बेटा हमने ये सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ मोशन लगाया। एनसीईआरटी अगले हफ्ते मोशन चैप्टर में एनसीईआरटी से रिलेटेड तीनों इक्वेशन के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको उसका टेस्ट देना होगा, और अगले हफ्ते के सैटरडे को लूंगा मैं सोल्यूशन, मैं भेजूंगा, लेकिन ऐसा सोल्यूशन भेजूंगा जो देख करके आप बहुत ही अच्छे तरह से समझ भी पाओ उसको, सारा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन होगा आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, हम समझाने के लिए कितना भी बढ़ जाए लेकिन हमें, मेरा फोकस ये है कि जितने भी बच्चे आए हैं उनका एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन कोई भी स्कूल वाला नहीं देगा। हम कोशिश अगले हफ्ते सैटरडे को, याद रखिए अभी आपके पास कम से कम 10 दिन का टाइम, इसको मिटा दिया यार, कोई बात नहीं हो जाएगा। यू कितना था, 0 ए 10 मीटर, सॉरी 4 मीटर। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, वेरी गुड। अब पुट करते हैं, वी गेट एस इज इक्वल टू 0 इंटू, बेटा यू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 0 पुट किया, टी टाइम है ना 10, हमने पुट किया, प्लस करो अब प्लस 1/2 इंटू, बेटा टाइम क्या है हमारा 80 है ना, ए एक्सेलरेशन क्या है 4 और टी क्या है 10, हाँ 10 की स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एस इज इक्वल टू बेटा 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 2 से 2 को करेंगे तो 4, 10 10 जा कितना हो गया 2 × 100, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा ना, होगा। अब क्या करेंगे बेटा, एस इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 सेकेंड इज 200 मीटर, इससे ज्यादा आसान क्या होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो ये आपका है ना प्राण पखेरू लेके उठ जाएगा क्वेश्चन, अगर अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत बेस्ट है, और नहीं आया तो जूझते रहिए। किसी को कोई दिक्कत आ रहा, तुम्हें समझ में आया? यस सर। ओके बेटा तुम्हारा कोई भी टेस्ट नहीं हुआ है, आप टेस्ट खुद से दोगे, मैं सारे टेस्ट पर एक एक दिन करके भेजूंगा सर, सेंड कर देना।
आरो देखो जो हमारा पूरे हफ्ते का वर्क प्लान है ग्रुप पे गया होगा, ठीक है, आज मैं आपको साइंस के ब्लू क्वेश्चन का फर्स्ट चैप्टर का पूरा टेस्ट भेज दूंगा, ठीक है ना। कल क्लास खत्म होने स्टार्ट होने से पहले आप मेरे को भेज दो, ओके सर। कौन से चैप्टर का? चैप्टर फर्स्ट साइंस ब्लू क्वेश्चन। चलिए सर, फर्स्ट चैप्टर का तो दे दिया था शायद मैंने। बेटा, आई स्कूटर मूविंग एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स व्हिच प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए ठीक है, इसको रुकिए। एक स्कूटर है, ठीक है, वो 10 मीटर पर सेकेंड, एक कोई स्कूटर है 10 मीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रही थी, उसकी स्पीड थी, और वो अचानक स्टॉप हो जाती है, ठीक है। स्टॉप क्यों होती है? स्टॉप होती है बाय अप्लाइंग ब्रेक विच प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जब ब्रेक अप्लाई किया गया तब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगा, लेकिन रिटार्डनेस पता है आपको, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बेटा कोई चीज स्पीड में जा रही है, मैंने आपको समझाया था, अगर वहां उस चीज की स्पीड धीरे 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 कम हो रही है तो रिटार्डनेस या नेगेटिव एक्सेलरेशन। कोई चीज चल रही थी धीरे धीरे, उसकी स्पीड अगर इंक्रीज हो रही हो या बढ़ रही हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यही बताया था ना आप लोगों को। तो यहां पर भी ऐसा है, एक स्कूटर 10 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन के साथ जा रही थी, ठीक है, स्पीड थी उसकी। उसके बाद जैसे ब्रेक अप्लाई किया गया और वो तो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अप्लाई हुआ जिसके चलते वो रुकी। मैं अभी समझा दूंगा, घबराइए मत। जब तक सब बच्चे के दिमाग में बिल्कुल हनुमान चालीसा की तरह मोशन नहीं जाएगा, हम कोई चैप्टर नहीं करा। फिर से देखो, एक स्कूटर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे, स्कूटर वाले ने ब्रेक लगाए, ठीक है, ब्रेक लगाए तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलने के कारण क्या हुआ, हर सेकेंड में एक सेकेंड मीटर पर सेकेंड 0.5 मीटर उसकी स्पीड कम होती चली गई। क्या बदबू फैली आ रही है, अरे कुछ है यार किसी के पास, अरे सैनिटाइजर है किसी के पास, देना बेटा। तो हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप। अब देखिए यहां पे मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया गया है और यहां पर भी वही पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स। स्कूटर को स्टॉप होने के लिए, ठीक है, कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, कवर करना पड़ा, ये पूछा जा रहा है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो, इट गिव्स द वेलोसिटी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वाले प्रॉब्लम में है ना वेलोसिटी दी जाएगी अब, ठीक है, एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन हैव अ डिस्टेंस एस इन बाय अ बॉडी इन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस एस। कोई भी बॉडी जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की करेगा उसकी वेलोसिटी दी जाएगी, ठीक है, ये दी जाएगी। तो मान लो कि अगर वेलोसिटी दी गई है और आपको फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तब आप जाकर के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करें, ठीक है। फिर से बता रहे हैं बेटा, आप लोग अगर घर पे जाके छोटा सा काम करो ना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर मोशन पे कमांड चाहिए तो मोशन के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, मेरे इस बुक में है, सबको अलग अलग फर्स्ट इक्वेशन और मोशन एक साथ सारे क्वेश्चन लिखना, सेकेंड इक्वेशन और मोशन सारे क्वेश्चन लिख लेना, एनसीईआरटी तो होगी बुक, और एक मेरा ये मैं पीडीएफ भेजी रखा है इसका, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। इससे क्या होगा कि आपको कंपेयर करने में और समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है।
अरे कुछ नहीं है, तीन तीन चार चार क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको सबके, ठीक है। और मैं आपको यहाँ समझा ही रहा हूँ, पहले इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहता है कि इट गिव्स द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन ट्रेवल और डिस्टेंस, ठीक है। कोई भी बॉडी दी गई वेलोसिटी में, जो वेलोसिटी दी गई उस वेलोसिटी में कितना डिस्टेंस अक्वायर करेगी, ट्रेवल करेगी, यही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताता है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या अलग था, वहां ये कहा जा रहा था, हाँ, इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टाइम टी। यहां पर बेटा थर्ड में वेलोसिटी दी जाएगी और डिस्टेंस पूछेगा, याद लिख लीजिए अगर लिखना है, और नहीं लिखना है तो वीडियो में मैं लिख दे रहा हूं बेटा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको टाइम गिवन होगा, डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, याद रखिएगा। थर्ड, अरे पॉज करके लिख लेना मेरे वीडियो को, तो फिर पबजी कैसे खेलोगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या गिवन रहेगा, वेलोसिटी गिवन रहेगी, वेरी गुड। वेलोसिटी बेटा गिवन होगी और हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। अब कुछ कुछ क्लियर हुआ आप लोग का, ये क्या देख रही है, ये समझ में आया मैंने क्या समझाया। थर्ड में भी डिस्टेंस ही पता करना है, सेकंड में भी डिस्टेंस पता करना है, लेकिन सेकंड में बेटा आपको टाइम दिया जाएगा और थर्ड में वेलोसिटी दी जाएगी, ये डिफरेंस बस याद रखना है। कोई क्वेश्चन दाएं बाएं हो ही नहीं सकता। और जहां आपने पकड़ लिया कि भाई क्वेश्चन किस इक्वेशन का है, फॉर्मूला लगाओ और देखो फिर नाधिन दिन ना। देखिए एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। स्कूटर वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी, अरे रुक जाए, कहां है स्कूटर चला गया, स्कूटर चला गया भाई। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 0, जब स्कूटर रुक गया, यही हुआ ना, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना था, आपको पता ही है कि एक्सेलरेशन यहां नेगेटिव था, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो डिस्टेंस है वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मुझे तो लगा कि आप लोग परेशान हो जाएंगे, आप लोग तो इंटेलिजेंट बच्चे मिल गए इस बार, पिछले बार उन्होंने तो मेरा खून पी लिया था। तो इसका फॉर्मूला होता है v² = u² + 2as, पुट करते जाएंगे सारा का सारा जो भी है, 0² = 10² + 2 - 0.5 s। सो 0 = क्या हो जाएगा, 100 - s, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये केवल 5 रह जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना पूरा। So, s = क्या हो जाएगा, 100 मीटर। 2 को -0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आ जाएगा। तो एक सेकंड, अच्छा है, अरे रुक जा। हाँ हाँ मैं समझ गया, ये 1 हो जाएगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो s रहेगा, ठीक है। क्या, एक मिनट रुको, 10² + 2a, ये हमारा क्या, ये रहा, और s इस तरह कर दिया। अब इसका तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और ये हमने s रखा है केवल, और इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, पूरा 1 आएगा, ठीक। चलो 3 बार बताएंगे, 2 को -0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, करके देखिए, -1 आएगा,
जीरो, एक सेकेंड, 0.5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1। अब बेटा ये माइनस 1 है और इस माइनस 1 से एस मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एस लिख देंगे। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, चल ठीक, ओके हो जाता है। एस इज इक्वल टू 100 मीटर, हमारा पूरा का पूरा आंसर आ गया। ठीक है, डेसिमल का मल्टीप्लाई, हाँ बेटा मुझे पता है। ठीक है, आ रहा है, इतना ही क्लास रखेंगे बेटा, तो आप लोगों को पता चल गया सेकंड। हाँ बोल बेटा। सर वो क्लास 5 बजे स्टार्ट होती है कि बाद में? बेटा 5 बजे होती है, थोड़ा सा है ना सिस्टम के चलते दिक्कत हो जा रही है, चिंता मत करो, कल है ना 5 बजे से पहले ही आपको लिंक भेजूंगा। ठीक है ना? यस सर।